प्रियंका गांधी का आज जबलपुर दौरा है और कुछ ही देर में जबलपुर से चुनावी शंखनाद करने जा रही हैं। वहीं अब कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर भी दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी कुछ ही देर बाद मां नर्मदा की पूजा अर्चना करेंगी, महारानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। तो वहीं प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। तो वहीं हनुमान जी की गदा को भी लगाया गया है। गोल बाजार में प्रियंका गांधी आम सभा करेंगी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गज कांग्रेसी मौजूद रहेंगे। तो चलिए, वहीं हमारे सहयोगी सूरज शर्मा ने विवेक तनखा से खास बातचीत की है, पहले वो सुन लेते हैं। प्रियंका गांधी, विवेक तनखा जी हमारे साथ, सर एक बड़ा दिन महाकौशल से मध्यप्रदेश का महाआगाज। निश्चित रूप से प्रियंका जी हमारी बहुत बड़ी नेत्री हैं, देश के आकर्षण हैं और सभी लोग उत्सुक हैं उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। और आज कांग्रेस अपने चुनाव का आगाज देगी और अपनी इश्यूज को लेकर सामने आएगी। वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी वेव है और जो पेपरों में और आप लोगों के माध्यम से जो अब पोल के जो एनालिसिस आ रहे हैं उसमें काफी डिफरेंस दिख रहा है, तो मुझे बहुत उम्मीद है कांग्रेस के प्रति एक अच्छे रिजल्ट की। क्या लगता है जबलपुर से एक बड़ा संदेश प्रियंका गांधी का मिलेगा महाअभियान का शुभारंभ, और कोई बड़ी घोषणा खासतौर से हम देख रहे हैं आधी आबादी को लेकर? नहीं होगा, जरूर होंगी, प्रियंका जी अच्छी घोषणाएं करेंगी। और सबसे बड़ी चीज वो नारी शक्ति की प्रतीक है और नारियों के बारे में जैसे उन्होंने यूपी में बोला था लड़कियों के लिए, आज उनकी 50% जो हमारी जनसंख्या है उनकी एक बड़ी बड़ी रिप्रेजेंटेटिव भी है वो, तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल जबलपुर में प्रियंका गांधी पहुंच रही है, विवेक तनखा का स्पष्ट तौर पर कहना है कि ये 2023 विधानसभा चुनाव का महाआगाज है। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज भोपाल।